तो दोस्तों, मैं पेंटर नवरंग सिंह आज पुलिस की गुंडागर्दी का एक घटना आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यह घटना यूपी के कुशीनगर जिले में कप्तानगंज थाना अंतर्गत ये जो हरकत किया है मंसूरगंज पुलिस चौकी से एसआई मृत्युंजय सिंह और भी पुलिस वाले थे, जो एक लड़का कोई गलती नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन अपनी गुंडागर्दी, जो मैं बार बार कहता चला आया हूँ कि पुलिस की गुंडागर्दी एक गुंडे का थोड़ा भी उखाड़ नहीं पाएंगे साले। लेकिन अगर कोई शरीफ आदमी है उसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, और वही हुआ। और हम इस समय है अज्ञा चौराहा पर हैं, और इसी जगह की बात है, यहीं से कुछ दूरी पर उस लड़के का घर गए जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। ये जो कुछ भी हुआ है यहीं पर घर है आपके पास, जो सामने दिख रहा है, और इतना चोट है उसके शरीर पे कि आज तीसरा दिन है वो एडमिट है, वो चलने की स्थिति में नहीं है। अभी भी वो कप्तानगंज में है। हम इस चौराहे पर आए तो हमको एक अंदाजा था कि शायद वो घर पे लड़का आ चुका होगा, लेकिन नहीं, अभी तक नहीं आया है। तो हमारा जो गुस्सा है, अगर आपके नज़र में गलत है तो हमें बुला के मारिए, लेकिन इस बात को समझिए, जो पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, यह गुंडागर्दी सबके लिए खतरनाक है, क्योंकि एक पुलिस आपका ही सुरक्षा कर्मी है। अगर आपका सुरक्षा कर्मी जब इस तरह की हरकत करेगा, आपको ही परेशान करेगा, तो आप कहाँ जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और साथ ही ये भी बता दूं कि यही पुलिस चौकी मंसूरगंज का जो यह मृत्युंजय सिंह एसआई दरोगा है, अभी 2-3 महीने पहले मछागर चौराहे पर गाड़ी जांच कर रहा था बिना किसी इजाजत के, बिना किसी आर्डर के, और जब हम सवाल उठाए तो हमारे ऊपर भी प्रहार किया। वो तो खैर है कि हमारे लिए वहाँ के लोग खड़े हो गए, और बहुत बड़ी ताकत होती है, आप सब में इस बात को समझिए, जनता में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ये जो कुछ भी हुआ, जब वो जनता इकट्ठा हुई तो वहाँ से वहाँ एसआई मृत्युंजय सिंह और जो भी पुलिस वाले बैठे भाग गए, और आज वही पुलिस चौकी और वही दरोगा जिसका नाम बता रहे हैं, इस तरह से मारा है उस लड़के को कि वो स्थिति में आया है कि आज चलने के लायक नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आज उसके साथ हुआ जो कोई गलती नहीं किया, हाँ मानते हैं कुछ गलती होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम मार दोगे साथ। थोड़ा बहुत डरा सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा हक नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम हमारे नौकर हो, हमारे देख रेख के लिए लगे हुए हो, तो जो गुंडा है साले उसको मारो, लेकिन नहीं, उसको तो मार नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर पावर है ही नहीं। ये बात पुलिस वाले के लिए और आपको समझने के लिए, जो जनता यह वीडियो देख रही है उसको भी समझना जरूरी है कि यह जो आवाज़ उठा रहा हूँ पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ, यह आवाज़ क्यों उठा रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि इस गुंडागर्दी से एक एक लोग परेशान हैं। सोचिए, जब आपका सुरक्षा कर्मी ही गुंडा बन जाएगा तो आप किससे सुरक्षा की उम्मीद लगाएंगे? तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस बात को समझिए और शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल PNS आवाज़ हमारी टोपी पर लिखा हुआ है, अगर जानते हैं
तो एक बार जाकर हमारे चैनल में देख लीजिए कि यह नौरंग सिंह कैसा आदमी है। जिंदगी रहे न रहे, लेकिन जो लड़ाई हमारी छिड़ चुकी है पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ, यह समाप्त होने वाली नहीं है जब तक यह गुंडागर्दी समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि पूरा सिस्टम जनता से ही चलता है। जनता में जो पावर है वो पावर किसी में नहीं है। आप वह पावर दिखाइए। सरकार भी हम चुनते हैं, और जो सरकार के नौकर हैं, जिनको बड़ा घमंड होता है कि हम सरकारी नौकरी करते हैं, वो सब इस जनता के ही नौकर हैं और किसी के नौकर नहीं। जहां पर आप लोग कहते हैं सिपाही को ए साहब ए सर जी, अरे मूर्ख है आप लोग, ये साहब नहीं है, ये सर जी नहीं है, आपके नौकर है। और इतना ही नहीं, आपके दरवाजे पर अगर कोई भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, ये उसके भी नौकर हैं। क्यों? क्योंकि वह भिखारी भी भले भीख मांग के खाता है, वह भी टैक्स भरता है, और जनता के टैक्स के पैसे से ही इन पुलिस वालों का या फिर और कर्मचारियों का तनख्वाह मिलता है। मैं आवाज क्यों उठा रहा हूं? आपको समझने के लिए कि आप में जो ताकत है वो ताकत किसी में नहीं है। आप कमजोर इसलिए हैं क्योंकि आप अलग होकर सोच रहे हैं। हमें यह विश्वास है कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए वो हथियार बनेंगे। किस हथियार की ताकत को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ, समय रहते आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमारे इस पीएनएस आवाज चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर और भी जानकारी लेना हो तो उस पर देखिए कि हाँ पुलिस के साथ यह नौरंग सिंह किस तरह से पेश आता है, और एक पुलिस किस तरह से वहां से भागती है। अरे कम से कम ये तो सोचिए कि यह नौरंग सिंह आपके बीच में आज खड़ा है। अगर कहीं भी ऐसा होता है तो हमें बुलाइए। हाँ, आपका सबसे मुख्य काम है कि हमें समझिए। ए भाई, ये तना जने बारा लोगन ने अगर अलगे अलगे बोले की इच्छा होकर तो कट्ठे बोला लोगन, हम गलत बोल ले वानी, हम गलत बोल ली है। सब जने मिल के लोगन हमारा सपोर्ट करा लोगन। तो जितना कुछ भी होत बा कि ये में सबसे बड़न कमी जनता के बाटे कि लोग अलग अलग होके सोचता। दू गो पुलिस आवता केहू के साथे कुछ कह देता, आखिर काहे कैसे समझे वाला बात ही बाटे। एक ना समझे वाला लोगों तो जिंदगी भर ठोकर खाइब। आज हमार तोहन पर तमाशा देखब, बिहान हुनकर तमाशा हम देखब, ऐसे पूरा लोग कमजोर बा। कहीं भी अलग अलग एबा रहो, लेकिन अगर पुलिस कहीं गलत करती है तो वहाँ डेरा न, अगर 10 लोग बड़ा 10 इकट्ठा रहो वहाँ, बाद में दुश्मनी नहीं भैया लोग। तो हम जितना लोग ये वीडियो के देखे, आप सबसे एक उम्मीद करतनी कि आप लोग हमारे बाती के समझली हो कि, तो बहुत अच्छा बात बा। अगर एक शेयर कह दे मैं तो और अच्छा बात रही, और भी लोग जानी। हाँ, लास्ट में एक बात ये और कहत बानी, हमार सरकार से कोनो ज़्यादा मांग नहीं बा, लेकिन हाँ ज़्यादा मांग नहीं बा। हाँ, अगर वो लड़का के न्याय मिल जाए जे के पुलिस वाला मरले बा ये मंसूरगंज चौकी के, ऐसने पुलिस वाला के हमारे नज़र में का होखे के चाहिए यो बता देता नहीं कि नौकरी से सस्पेंड के मतलब का है। हमारे नज़र में कुछ नहीं है। अरे नौकरिया तो ऐसे पुलिस के ले के चाहिए, लेकिन वो बाद भी ओके सजा देवे के चाहिए, चाहे जो सजा बने। एक आम नागरिक खातिर जान जान बा, जान जान नहीं बटे, और पब्लिक के जान जान नहीं बटे। हमारो दर्दवा पुलिसवा के दर्दवा बराबर बटे,
जनवा एक बराबर बा तो मरिया खाइले बड़ी तो दर्दवा ओहू के दे तो योगी जी के लगे अगर बात पहुँचा तो योगी जी से हम कहतनी कि हमारे साथ जौन भइल बा तौन भइले बा लड़त बनी अब हम लड़ब हम छोड़ब नहीं लेकिन अगर ये लड़का के न्याय मिल जाए तो हम बहुत धन्यवाद देंगे आपके दिल से लेकिन हाँ न्याय के तौर पे वो पुलिस के वो एसआई के वो दरोगा के वर्दी उतरे चाहिए आपके ऊपर से सजा मिले चाहिए कहे कि ये गुंडागर्दी बहुत चरम सीमा पर बा एक लोग के अंदर डर बन चुकल बा पुलिस के गुंडागर्दी से पुलिस के वर्दी से। एक साथे अपन बात के विराम देत बानी बात अपन समाप्त करतनी आपके अपन पेंटर नवरंग सिंह चाहे जवन भी समझल जा कैमरा मैन एगो भाई साहब बाना जौन मोबाइल पकड़ ले बाना के साथ ही पेंटर नवरंग सिंह इजाजत लेता कोशिश कर जा। हाँ एक बात भूला गए नहीं कि अब वह वीडियो आप लोग के दिखा दे मैं जौन पुलिस के तरफ से रोकले पर रुको दिन भाग जाती बा वो सामने देख लिया जाए बस एक साथ आपका अपन पेंटर नवरंग सिंह इजाजत लेते नहीं। जय हिंद। एक बात बता दीजिए क्या मामला है किस थाने का मामला सवालों के घेरे में पुलिस कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थाना अंतर्गत मंसूरगंज चौकी का मामला मंसूरगंज चौकी के पास कुंदूर चौराहे के पास चाट पकौड़ी बेचने वाले नाबालिग को पुलिस ने पहले बुरी तरह से मारा पीटा और फिर मामला बिगड़ता देख आनन फानन में कप्तानगंज सीएससी ना पहुंचकर पिपराइच सीएससी पर घायल अवस्था में परिजनों के साथ लेकर मरीज को पहुंचे जहां स्थानीय एवं पीड़ित परिवार के लोगों के इकट्ठा हो जाने पर पुलिस घायल को छोड़कर भाग खड़ी हुई। अभी भी घायल बच्चे का इलाज पिपराइच सीएससी पर चल रहा है जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि जब बच्चा यहां आया तो काफ़ी डरा हुआ था हार्ट बीट बढ़ी हुई थी लेकिन अब ठीक है इलाज किया जा रहा सुबह एक्सरे कराने के बाद पता चल सकेगा कि चोट कितनी गंभीर है। बहरहाल पुलिस का यह रूप देखकर ताज्जुब होता है कि इस तरह भी हो सकता है। रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है सर। एक मिनट रोक दीजिए सर गाड़ी रोकिए। हेलो हेलो सर क्या नाम है बाबू क्या मामला हुआ है दुकान में थोड़ा सफाई होता कचड़ा हुआ था कौन कौन पूछा कौन सा चौकी इंचार्ज थे कहाँ के चौकी इंचार्ज मंजूरगंज से कहाँ के चौकी इंचार्ज हैं जानते हैं हाँ तो बताइए क्या हुआ है तो यहाँ कौन लाया है आपको पापा लाए पुलिस वाले भी आए थे साथ पुलिस कहाँ गए बोले पुलिस वाले कहाँ गए नहीं मालूम आपके पापा कहाँ हैं क्या नाम है भैया आपका हमारा नाम अच्छे कैसे पता चला आपके बच्चे को कौन मारा है क्या हम थे वहीं पर सर हाँ तो क्या हुआ है कैसे जैसे हम पकौड़ी बेच रहे थे अंडा पकौड़ी मटर बेचते हैं सारा भर्ती पास में यूट्यूब पर तो हम भाड़ा लेकर कटरे में छाकर हम रखे हैं तो ये आए और तुरंत डायरेक्ट दुकान भेज गए और तुरंत ये बोले बाबू फिर सफाई को तो हम बेसन लेकर आते हैं और तब तक ये इसको मारना चालू कर दिए कम से कम 10-12 घंटे इनको मार दिए और बच्चा गिर गया तो यहाँ कौन लाया यहाँ हमने लाया और वहाँ से जो कहे कि अभी हम एम्बुलेंस बुला रहे हैं और एम्बुलेंस कुछ नहीं बुलाए फिर हमने ज्ञानचंद की गाड़ी बोलरो लिया। गांव कौन सा है आप कुंदूर तो जिला कुशीनगर सर तो वहाँ आसपास में कोई सीएससी नहीं है इधर हम अब वहाँ से हम सोचे गोरे पर निकलेंगे हमने कुछ लोग कहेंगे सर चौकी हिसाब से पहले मिल लीजिए तो हम फिर चौकी पर आए फिर वहाँ से भाग गए सब 6 लोग सिपाही थे यहाँ भी जो इंचार्ज है वो कहाँ गए फिर भाग गए।
यहाँ से भी चले गए। अब आप अभी हम आ रहे हैं। कौन मार रहा है? चोट कैसे लगा बच्चों का बताएंगे क्या? बच्चों को चोट कैसे लगा बताएंगे क्या? घंटा लिए थे सर, घंटा लिए थे। हम बगैर मारे इतना अनकॉन्शियस हो जाएगा बच्चा, क्या हार्ट बच्चा कहाँ?